नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसी का एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो देखिए, जो ये इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर वन हैगा एक की जगह, एफ स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स ये इस इक्वेशन को फुलफिल कर रही है, इसीलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप ये देख पा रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? अगर हम इसमें ये ऐड कर दें जीरो इंटू में एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो क्या है? जीरो। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, वो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, इस पहली बात, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए तभी फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। तो ये जो है, ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए ये है ए और ये है सी, तो आपको ए इंटू सी करना है। ए इंटू सी, यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए है वन इंटू में, और सी कितना है यहाँ पे? टेन है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा टेन। टेन के हम फैक्टर कर लेंगे, तो टू से काटेंगे फाइव, फाइव से काटेंगे तो वन आ जाएगा। अब हमें फाइव और टू को मिला के हमें क्या बनाना है? माइनस का थ्री बनाना है, जो बीच में लिखा हो। तो कैसे बनेगा? फाइव से टू जाएंगे, थ्री आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसी को ऐसे रहने देंगे। माइनस थ्री की जगह हम लिख देंगे माइनस का फाइव एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का टेन इजिकल टू जीरो। हमने माइनस थ्री एक्स जगह माइनस फाइव एक्स और प्लस में टू एक्स लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या करना है इसमें। अब आपको ये दो हैं और यहाँ पे भी ये, आपको इसमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पर एक्स बचा, माइनस बचा, यहाँ पे फाइव बचा। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहली बात प्लस कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, बाकी एज इट इज लिख देंगे। देखिए, ये जो हैगा और जो ये हैगा, ये एज इट इज सेम है, तो क्या करेंगे, इनको भी कॉमन ले लेंगे एक ही बार। जब हमने इसको बाहर ले लिया तो क्या बच गया अंदर? ये बच गया एक्स प्लस का टू बराबर जीरो। अब एक्स माइनस फाइव के बराबर में जीरो है और एक्स प्लस टू के बराबर में जीरो है, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस टू बराबर जीरो। इसको फॉलो करते हैं, x इजिकल टू ये प्लस का है, ये माइनस इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई फाइव और x इजिकल टू ये हैगा प्लस का, यहाँ पे जाएगा ये तो जाएगा माइनस का। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस का टू, तो दो वैल्यू आ गई x की, एक फाइव आ गई प्लस का और एक माइनस टू आ गई। तो ये जो इक्वेशन थी ये सॉल्व हो गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, हमने पहले आपको बताया था कि आपको करना क्या है, ए की गुना आपको सी से करनी है। तो माइनस का टू इंटू में फाइव अंडर रूट टू, इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर टू टू इंटू में फाइव मतलब टेन, टेन आ गया। इसके फैक्टर कर लेंगे टू और फाइव। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सेवन। सेवन कैसे बनेगा? इससे ऐड कर देंगे बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स प्लस फाइव एक्स और यहाँ पे लिखेंगे फाइव एक्स प्लस जो वहाँ पर सी लिखा हुआ था उसको ऐसे लिख दें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सेवन एक्स को हमने टुकड़ों में बांट दिया। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है,
अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो पहली बात, इसमें दोनों में अंडर रूट टू कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ से अंडर रूट आ गया, यहाँ से एक्स भी आ गया, यहाँ पे क्या बच गया? एक्स बच गया। टू के दो पार्ट करते हैं, देखें ये लिखा है टू, ये बराबर होता है अंडर रूट टू इंटू में अंडर रूट टू के। तो हमने यहाँ से ये ले लिया है, तो ये बचा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बच गया अंडर रूट टू प्लस। अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, तो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ फाइव कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? एक्स प्लस अंडर रूट टू बराबर जीरो तो हैगा। देखिए ये और ये हमेशा आपके सेम आने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे सेम आ रहे हैं, इसको भी कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस में अंडर रूट। जब हमने इन दोनों को बाहर ले लिया तो अंदर जो बचा है क्या बचा है? अंडर रूट टू एक्स प्लस में फाइव बराबर जीरो। दोनों के बराबर जीरो रखना है हमें, यह देगा एक्स प्लस अंडर रूट टू बराबर जीरो। यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी, एक्स इजिकल टू माइनस का अंडर रूट, एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर भी मैं क्या रखना है? जीरो रखना है। क्या करेंगे अब? ये हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स इजिकल टू माइनस का फाइव। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू माइनस का फाइव बाय में अंडर रूट टू। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई और हमारे दो आंसर निकल के माइनस का टू माइनस अंडर रूट टू और माइनस फाइव बाय में अंडर रूट टू। देखिए ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ से ये है एक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? और ये इक्वेशन हमारी होनी चाहिए इस फॉर्म में। तो ये है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है ए इजिकल टू टू, बी इजिकल टू माइनस का सेवन और सी इजिकल टू थ्री। जो जो ए की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, जो बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, इसको लिख लीजिए। तो ये ए है, तो होता है देखो यहाँ पर ये ए हैगा, ये एरिया होता है बी, ये है सी, ये हमने लिख लिया। अब आपको करना क्या है? देखिए ये आपको दिख रहा है अंडर रूट में, हम इसको अलग से बना लेंगे फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी बी कितना है हमारे पास? माइनस का सेवन इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए, ए कितना है? टू है। और सी कितना है हमारे पास? थ्री। माइनस सेवन का स्क्वायर कितना होगा? तो 49 होगा, माइनस में टू इंटू में टू, सॉरी फोर इंटू में टू एट, और एट इंटू में थ्री 24। ये हमारा आ गया 25t आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखते हैं x का फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी लिखा हुआ है, तो b हमारे कितना है? सेवन है, लेकिन माइनस का सेवन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सेवन आ जाएगा। थ्री लिखा हुआ है प्लस, और ये माइनस लिखा है यहाँ पे, ले देंगे प्लस और माइनस, अंडर रूट लगाएंगे। और जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा था हमने, इसकी वाली निकाल ली डी, इसको डी मान के, ये आ गया हमारी 25 बटे में टू ए, टू मतलब टू और ए मतलब टू, यहाँ पर टू वैल्यू क्या है? टू है, तो यह आ जाएगा फोर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा सेवन प्लस माइनस अंडर रूट 25 मतलब फाइव बटे में फोर। यहाँ से हम इसके दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो प्लस लेके सेवन प्लस में फाइव बाय में फोर, और एक ले सकते हैं सेवन माइनस में फाइव बाय में फोर। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी ट्वेल्व बाय में फोर इजिकल टू थ्री, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टू बाय में फोर यानी वन बाय में टू। तो हमारी एक्स की दो वैल्यू निकल गई, कौन कौन सी? तो थ्री निकल गई और एक निकल गई माइनस का, सॉरी वन बाय टू। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो हमें लिखना कैसे पड़ता है? ए इजिकल टू फोर, बी इजिकल टू फोर अंडर रूट थ्री, सी इजिकल टू थ्री, ठीक है? हमें क्या करना है? सबसे पहले डी लिखना है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ठीक है? सॉल्व करते हैं, बी का स्क्वायर करना है हमें, यहाँ लिख लेंगे फोर अंडर रूट थ्री इसका माइनस फोर इंटू में ए कितना है? फोर है, और सी कितना है? ये भी थ्री है। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है? थ्री होता है, और फोर का स्क्वायर कितना होता है? सोलह। तो सोलह इंटू में थ्री माइनस कितना आ जाएगा? ये सोलह, और ये भी क्या आ जाएगा? सोलह इंटू में थ्री। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, दोनों सेम है, घट जाएंगे जीरो आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गया? जीरो। देखिए लगाते हैं एक्स का फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, बी कितना है? फोर अंडर रूट में थ्री, फिर प्लस और माइनस डी लिखना है यहाँ पे, तो डी की वैल्यू कितनी? जीरो बट्टे में टू ए मतलब एट, तो ये जीरो हैगा, तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, क्या बच जाएगा? माइनस का फोर अंडर रूट में थ्री बाय में एट।
फोर से कट जाएगा टू बार में, हमारा जो आंसर आया है माइनस का थ्री माइनस अंडर रूट थ्री बाय में, ये हमारा आंसर। बात करते हैं जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उससे इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा होगा कोएफिशिएंट उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड बाय, हमें क्या करना है डिवाइड बाय टू करना है, तो पूरे को डिवाइड कर देंगे टू से, तो ये हो जाएगा टू से टू कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सेवन बाय में टू एक्स प्लस ये हो जाएगा थ्री बाय में टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन बाय में टू एक्स, जो ये प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे इसको ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का थ्री बाय में। देखिए जो भी एक्स के साथ लिखा हो उसका आधा हमें स्क्वायर उसका आधा करना है, तो जो यहाँ क्या लिखा हुआ है सेवन बाय टू लिखा हुआ है इसका आधा कैसे करेंगे, तो वन बाय टू कर देंगे, ये आ जाएगा सेवन बाय में फोर। जो भी आएगा उसका स्क्वायर हमें दोनों तरफ क्या करना है जोड़ना है। करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में सेवन बाय में टू एक्स फिर जोड़ देंगे प्लस में सेवन बाय में फोर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का थ्री बाय टू पहले ही था, यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे सेवन बाय में फोर इसका स्क्वायर। देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस में टू ए बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस में सेवन बाय में फोर इसका स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये एज इट इज एफ आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री बाय में टू प्लस ये आ जाएगा फोर्टी नाइन बाय में सिक्सटी। इसको सोल्व करते हैं, पहले यहाँ पर इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा सिक्सटीन, ये आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी फोर, ये आ जाएगा फोर्टी नाइन, यहाँ से ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाय में सिक्सटीन। ठीक है, अब हमें क्या करना, देख ये हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाय में फोर इसका स्क्वायर बराबर में ट्वेंटी फाइव बाय में सिक्स, ये हमारा बच गया। अब तो ये यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर को हम अंडर रूट के सॉरी जो इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट, तो जाएगा एक्स माइनस का सेवन बाय में फोर, यहाँ से ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अंडर रूट होने के बाद फाइव। और जो तो ये लिखा हुआ है माइनस का इसको जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू फाइव बाय में फोर प्लस सेवन बाय में फोर, यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से सेवन और फाइव यानी ट्वेल्व बाय में फोर इजिकल टू थ्री, एक आंसर हमारा ये आ गया। लेकिन जब हम अंडर रूट किसे करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है जो आंसर आता है वो माइनस और प्लस दोनों में आता है, तो हमने कौन सा लिया था प्लस वाला लिया था, अब कौन सा लेंगे माइनस वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेते हैं माइनस का फाइव बाय फोर, ये प्लस वाला हमने यहाँ पर ले लिया था, अब ले लिया माइनस वाला, ये क्या माइनस का फाइव बाय फोर, ये प्लस का सेवन बाय में, यहाँ से इसका एल्शियम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका एल्शियम, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा टू बाय में फोर यानी वन बाय में। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो। थैंक यू।